फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज देखिए, मेरे आईब्रोज़, ये मैंने काफ़ी महीनों से इनको नहीं किया है ताकि मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर सकूं। तो ये देखिए, सबसे पहले तो मैं आईब्रोज़ को करने के लिए पहले मैं उसको आईब्रो पेंसिल से फिल किया। जो भी शेप आप चाहते हैं आप उस तरह से अपने आईब्रोज़ को बनाएं। तो मैंने वी शेप से बनाया और ये वही फ्लॉलेस ट्रिमर है जिसका मैंने रिव्यू पहले किया था। तो इसको आज मैं आपको उसकी पूरी डेमो, लाइव डेमो दूंगी। आप अपने आप चेंज देख सकते हैं इसमें क्या आता है मेरे आईब्रोज़ में। तो ये देखिए, ये आईब्रोज़ मैंने लगभग 4-5 महीने से नहीं किए थे, तब मेरी इतनी ग्रोथ हुई थी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको चलाना है ऑन करके। ये देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं कितने बाल क्लीन हो गए हैं। इसको आपको ज़्यादा क्लीन करने के लिए उसी एरिया पे बैक एंड फोर्थ यानी कि गोल गोल आपको घुमाना है आगे पीछे। ये देखिए इस तरह से, बट आपको आँख को बचा कर रखना है। कोई पेन नहीं होती, कोई दर्द नहीं होता। थोड़ा सा गर्म ज़रूर हो जाता है और थोड़ा मेटालिक सी स्मेल आती है। तो ये देखिए इस तरह से बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स घर पे करना। इसको बस आपको चार्ज करना होता है, वो मैं आगे सारा दिखाती हूँ। मैंने वैसे उस वीडियो में सब एक्सप्लेन किया है, आपने शायद मेरा वीडियो देखा हो पीछे। तो ये देखिए इस तरह से, इस आँख को थोड़ा ध्यान से, ये पहली बार मैं अपने आईब्रोज पे कर रही हूँ इस ट्रिमर से। हालांकि फेशियल हेयर मैंने बहुत रिमूव किए। ये देखिए अपने आप कितना डिफरेंस है, सारे हेयर रिमूव हो गए हैं। और जो ये ऊपर के हैं इसको आप सीजर से कर सकते हैं। मैंने इसमें कोई फिल्टर नहीं लगाया है ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर और ईजिली आपको समझ आए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी देर से मैं वीडियो बनाने की सोच रही थी, बट मेरे को था प्रॉपर ग्रोथ हो जाए आईब्रोज़ की। तो इसी तरह से फ्रेंड्स इसको मैं कंप्लीट करूँगी। जितना पतला आप चाहते हैं, जो शेप आप चाहते हैं, राउंड चाहते हैं, वी शेप चाहते हैं, उस तरह से आप करें। तो ये देखिए मैंने वी शेप से बनाया। इसी तरह से सेम वे मैं दूसरे साइड पे भी करूँगी। बहुत ही आप देख सकते हैं पार्लर वालियों ने क्या हाल मेरे आईब्रोज़ का किया हुआ है। तो अब तो मैं कभी नहीं जाऊँगी, इसी से ही हमेशा करूँगी। बहुत ही इकोनॉमिकल है। और आप देखिए दोनों आईब्रोज़ में डिफरेंस पहले और अब। और हार्डली मुझे इसमें 10 मिनट लगे थे। कोई पेन नहीं, कोई इरिटेशन नहीं। हाँ, आप फ़ैन ऑफ़ कर ले, वरना जो बाल है ना उड़ के नाक में जाते हैं, उससे इरिटेशन होती है। कोई पेन नहीं होती इससे जब आप करते हैं। बहुत ही अच्छा है ये ट्रिमर फ्लॉलेस का। तो अब अपने आप डिफरेंस देखें। ये है मेरे पहले की जो ग्रोथ मैंने दिखाई थी 5-6 महीने की, और जो मैंने आज किया 10 मिनट में ही सारी क्लीन हो गई। ये देखिए, तो डेफिनेटली रिकमेंड कर, हाईली रिकमेंडेड है ये। तो ये इसको मैं आपको बाल भी दिखाती हूँ जो इसमें से मेरे रिमूव हुए हैं। ये बहुत क्लियर आज आपको दिखेंगे। ये देखिए इस तरह से ना निकाल के पीस को आप अंदर, जो मैंने दिखाया था ना एक वीडियो में आपको पिछले में, कि ब्लेड्स जब मैंने फेशियल हेयर रिमूव किया था, इसके अंदर इस तरह से ब्लेड्स हैं। ये हल्के हल्के सॉफ्ट, ये बिल्कुल ही जैसे ना सॉफ्ट हेयर निकाल दिए इसने। ये ब्लेड्स हैं इसके अंदर। ये देखिए ब्लैक ब्लैक, मैं अभी आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये सारे बाल हैं जो भी छोटे छोटे सब कट गए हैं, क्योंकि ये जड़ से नहीं निकालता, ऊपर से निकालता। बट अगर आप उस एरिया को अच्छे से करेंगे क्लीन, तो सारे बाल क्लीन हो जाते हैं। और इन्होंने एक ये ब्रश दिया था, इससे आपको अच्छे से इसको आप क्लीन करें। थोड़ा टाइम लगेगा, मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ इस तरह से आपको क्लीन करना है। बट यस, आप इसको धोएं ना, नहीं तो इसमें जंग लगने का मुझे लगता होगा, बिकॉज ये मेटल है। और ये सारा मैंने रिव्यू फ्रेंड्स एक पीछे वीडियो में किया, आप चेक कर सकते हैं। मैंने अमेजोन से मंगवाया था ये ट्रिमर। बहुत मैं बड़े वीडियोज़ बनाती नहीं, छोटे वीडियोज़ और अप टू पॉइंट ही बनाती हूँ, आपने देखा होगा। तो इस तरह से बस इसको चार्ज करना है, दोबारा चार्ज होता है। 3 घंटे के लिए आपको चार्ज करना है और ये चलता है। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर ये ट्रिमर खरीदें। मैं तो आपको यही कहूँगी कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को।